दोस्तों आप ये जो टीवी देख रहे होंगे, इस टीवी के अंदर नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम है और इस टीवी के अंदर जो डीसी टू डीसी सेक्शन है पैनल पीसीबी के अंदर, वहां से भी कोई भी वोल्टेज बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो किस तरीके से सर डीसी टू डीसी सेक्शन को मॉडिफाई करके ठीक किया जाता है, बाईपास करके किस तरीके से सभी जो वोल्टेजेस है वो निकाला जाता है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, आपको पता लग जाएगा किस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज जो सेट हम आपको दिखा रहे, ये पैनासोनिक का 24 इंच सेट है। इसमें एवो पैनल लगा हुआ है। देखिए मॉडल नंबर आपको ये अलग से एलसीडी है, 24 इंच सेट, एलसीडी सेट। इसमें तिकोन बोर्ड है, एलसीडी सेट। इसमें तिकोन बोर्ड है, सॉरी स्क्लर बोर्ड है। इसमें जो प्रॉब्लम है, देखिए एवीडीडी एक बार आके चल जा रहा है 14 वोल्ट, जैसे हम ऑन किया 14 वोल्ट आके चला गया, एवीडीडी एक बार ऑन होके ऑफ हो गया। इसमें पैनल में दिक्कत है, पैनल में प्रॉब्लम है। और वीजीएल देखिए, जो वीजीएल है देखिए, ये 3 पॉइंट देखिए 1.2 वोल्ट ओके है, 3.3 वोल्ट ओके है, हमारा जो विजुअल पॉइंट है, विजुअल पॉइंट में देखिए -2 वोल्ट आ रहा है, जो विजुअल ऐसा है उसमें वोल्टेज नहीं आ रहा है, क्योंकि एक बार एवीडीटी आके ही चला गया। इससे मालूम है जो सामने वाला कोई शॉर्टिंग है, कहाँ पे शॉर्टिंग है वो हमको चेक करना है, कहाँ पे शॉर्टिंग है वो हमारा देखना है। निकाल देंगे, देखिए दूसरा ऑन कर रहा है, निकाल के अब ऑन कर रहा है, फिर भी हम ऑन करेंगे, आर सेट को चेक करेंगे, सेट को ऑन कर रहा है, चेक करने का टाइम हम देखेंगे। देखिए वोल्टेज हमारा मीटर सब बराबर देखिए आ गया, ये हमारा जो पॉइंट है ठीक है, वोल्टेज हमारा सब बराबर आ गया, जैसे ऑन हो रहा है देखिए मीटर, देखिए अभी देखिए वीजीएस आके चला गया, माइनस वोल्ट हो गया, 25 आके चला गया। तो हमारा सामने कोई पैनल शॉर्टिंग है, कोई प्रॉब्लम है। ये जो लेवल शिफ्टर है देखिए, स्कैन ड्राइवर है, लेवल शिफ्टर है, जो गेट ड्राइवर है वो आईसी है, ये बोर्ड में 2 स्कैन ड्राइवर लगा हुआ है, 2, एक देखिए ये हमारा पैनल 24 इंची पैनल है, एयू का पैनल, ये जो ये साइड में देखिए, वो सारे से सारा जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस हमारा पैनल में गया है। यहाँ पे ये साइड में एक स्कैन ड्राइवर है और दूसरा साइड में एक हम क्या किया, वो जो स्कैन ड्राइवर जो काम रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस हम अभी निकाल दे रहा है, रिमूव कर दे रहा है एक रेजिस्टेंस। तो एक रेजिस्टेंस रिमूव करने का बाद हम फिर से लाइन देंगे और सेट को ऑन करेंगे, ऑन करके हम चेक करेंगे। देखिए एवीडीटी हमारा आ गया 16 वोल्ट परफेक्ट हो गया, वो स्टेबल भी हो गया, देखिए 27 वोल्ट भी आ गया, वीजीएस वो भी स्टेबल आ गया। हम जैसे पैनल का साइड से एक रेजिस्टेंस ओपन कर दिया, देखिए अभी पिक्चर आ गया, बट थोड़ा टाइम चलने का बाद इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है। क्या प्रॉब्लम वो भी हम दिखाएंगे आपको। देखिए वो जो ऊपर में थोड़ा सा हल्का जंपिंग लाइन आ रहा है, तो वो लाइन का वजह से हमको मालूम हो गया जो लेवल शिफ्टर में कोई गड़बड़, देखिए वहाँ पे लाइन जंपिंग हो रहा है, देखिए देखिए वो लाइन जंपिंग हो गया, जंपिंग हो रहा है, थोड़ा सा हल्का जंपिंग हो रहा है। तो उसका बाद
हम उसका साइड में जो रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस, वो भी हम निकाल देंगे। दूसरा रेजिस्टेंस वो भी हम निकाल देंगे। दूसरा रेजिस्टेंस निकाल देने का बाद हम चेक करेंगे ये हमारा एबीडीडी वोल्टेज क्या है। देखिए हमारा जो एबीडीडी वोल्टेज है वो 16 वोल्ट या फिर हमारा जो पैनल है, देखिए पैनल में पिक्चर आ रहा है और उसका बाद भी ऊपर में हल्का थोड़ा सा स्लो जंप कर रहा है। दोस्तों जैसे ही हम एक एक रजिस्टर को ओपन कर रहा था तब भी हमारे पैनल के अंदर कुछ नॉइज़ जो है देखने को मिल रहा था, यानी कि पिक्चर क्वालिटी सही से नहीं आ पा रहा था। इसका मतलब हमारे इस पीसीबी के अंदर जो लेवल शिफ्टर आईसी है उसके अंदर ही कुछ गड़बड़ी है। तो हमने डिसाइड किया कि इस लेवल शिफ्टर जो आईसी है इसको ही हम बाहर निकाल देंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो पिक्चर है वो सही होता है या नहीं। अब अच्छे से देखिए इस लेवल शिफ्टर को, तो आपको बहुत ही अच्छे से और ध्यान से इस लेवल शिफ्टर को बाहर निकाल लेना है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जब आप लेवल शिफ्टर को बाहर निकालेंगे तब आपको ध्यान रखना होगा कि आसपास जो भी कंपोनेंट्स है वो बाहर ना निकल आए, नहीं तो आपके पैनल के अंदर कुछ और भी दिक्कतें आ सकती है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक जो है आपका लेवल शिफ्टर को बाहर निकालना होगा, जैसे कि हमने निकाला बहुत ही अच्छे से और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, जैसे कि देख सकते हो। और अब हम चेक करके देखेंगे कि हमारे पैनल के अंदर अभी जो है कुछ प्रॉब्लम या नॉइज़ जो देखने को मिल रहा था लाइन लाइन, वो अभी देखने को मिल रहा है या नहीं। आई थिंक गाइस हमारा जो पैनल है वो ठीक हो जाना चाहिए था। और दोस्तों और एक बात बता दूं कि अगर आप में से किसी को भी हमारे पास ट्रेनिंग लेना है तो ऊपर दी गई नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके ट्रेनिंग के बारे में जानकारी ले सकते हो। आपको हिंदी बांग्ला दोनों में ही आपको ट्रेनिंग मिल जाएंगे हमारे पास। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको कुछ वोल्टेजेस चेक करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो वोल्टेज है, यहाँ पर देख सकते हो जहाँ पर माइनस वोल्टेज आ रहा था, मतलब वो एबीडीडी वोल्टेज, वो अभी 28 वोल्ट दिखा रहा है, यानी कि हमारे जितने भी वोल्टेज पैनल को चलाने के लिए ज़रूरत होगी वो हमें मौजूद मिल रही है। यहाँ पे देख सकते हो सभी जो वोल्टेज है हमें देखने को मिल रहा है। आई थिंक गाइस अब हम जब चेक करेंगे इस टीवी को या इस पैनल को तो उसके अंदर हमारा जो पिक्चर है वो आ जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे देख सकते हो टीवी के अंदर जो नो सिग्नल के अंदर कोई भी नॉइज़ वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल कोई भी नॉइज़ नहीं आ रहा है, और जो हमारा प्रॉब्लम था नो पैनल प्रॉब्लम, मतलब नो पिक्चर का प्रॉब्लम था, और जब हमने एक एक रजिस्टर को निकाला तो वो नॉइज़ था, तो सभी तो ठीक हो गया। तो आप दोस्तों हमारे जो जहाँ जहाँ पे कहाँ पे कब ट्रेनिंग होंगे बंगाली में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिस्प्ले पे, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। तो जल्दी से कॉन्टैक्ट कीजिए अगर किसी को भी ट्रेनिंग के बारे में जानकारी लेना है। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करके